या गेहूं की खेती एक ऐसी तरीका है जैसे धान की खेती श्री विधि से करें, बस श्री विधि के जैसे नियम रहे हैं, बस वही नियमन के पालन करके अपन ऐसे जो है तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते। पारंपरिक विधि में छिड़काव या नाड़ी से उराई करते हैं, जबकि श्री विधि के गेहूं में लाइन से दूरी दूरी पर अपन बीज डालते हैं, माने कतार से कतार एक ही दूरी दूरी पे होते हैं और इनमें बीज की मात्रा बहुत कम लगते हैं और उत्पादन ज़्यादा होते हैं। 2007 और 8 में विश्व बैंक और प्रधान ये दोनों के सहयोग से गया और नालंदा जिला में 278 किसान श्री विधि से गेहूं खेती अपनाएं और जब विधि से उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिले। आप सामने जिन चित्र है वो में देख सकते हैं, पारंपरिक विधि में खेती करने पर जो है तो कुल खर्च 3,167 रुपये होते, जबकि श्री विधि में 4,931 रुपये के ही खर्च होते। और इसके अलावा परंपरागत विधि से खेती करने से एक एकड़ में 8 क्विंटल तक अपन लगे गेहूं के उत्पादन होते, जबकि श्री विधि में 14 क्विंटल के उत्पादन होते। इसके अलावा पूरा खर्च काट के और 3,234 रुपया परंपरागत विधि से बचते और अपन के श्री विधि में खेती के पूरे खर्चा काट लेने के बाद 6,269 रुपया के बिल्कुल सीधे सीधे अपन बचत होते हैं। सबसे पहले अपन बीज उपचार, बीज उपचार में बहुत ज़रूरी है, तो बीज उपचार जरूरी है। तो बीज उपचार कैसे करते हैं? बीज उपचार करे के लायक अपन लोग को सामान की जरूरत पड़ती है, पर बीज उपचार करने से जो है तो बीज के जो अंकुरण है उसकी शक्ति बढ़ाए के काम करते हैं, जिससे आने वाले समय में बहुत से रोगन से भी इले बचाए जा सकते हैं। ऐसे बीज उपचार बहुत जरूरी है और बीज उपचार में कुछ ऐसे सामान की जरूरत पड़ते हैं जो इस प्रकार से हैं। इनमें अपन ला 10 किलो बीज एक एकड़ जमीन के लाएगी जिन छाटे पछोरे हो जिनमें कंकड़ मिट्टी ना हो, और 20 लीटर कुनकुना पानी थोड़े गर्म हो, 5 किलो केचुआ खाद, यदि केचुआ खाद नहीं है तो अच्छे सड़े वाले गोबर के खाद के भी अपन उपयोग कर सकते हैं, और 4 लीटर गोमूत्र, 4 किलो गुड़ और 20 ग्राम बेविस्टिन पाउडर और एक खाली बोरा जो शक्कर की बोरा होते हैं या चावल के ऐसे बोरा आते हैं उनके उपयोग अपन कर सकते हैं।